हाल ही में हुई आफत की बारिश से हर ओर हाहाकार मचा है, लेकिन ये बारिश पहाड़ों पर और भी भयानक हो जाती है। इसी भयानक बारिश के बीच गड़दा के ऊंचे पहाड़ों पर माता अन्नपूर्णा का प्रकट दिवस मनाने वाले जांबाज भक्तों का जबरदस्त जज्बा देखने को मिला। मूसलाधार बारिश में पहाड़ों पर इन भक्तों के रोमांच और खतरनाक संघर्ष को देखकर आप भी इन्हें माता के जीवट भक्त कहोगे, जो एक दूसरे का रेस्क्यू करके सुरक्षित लौटे। जहां बारिश के समय लोग घरों में और सुरक्षित स्थानों में बने हुए थे, तो इसके उलट वायरल वीडियो में साफ तौर पर देख सकते हैं कि बालाघाट मुख्यालय से 15 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत गड़दा की पहाड़ी पर मूसलाधार बारिश के बीच माता अन्नपूर्णा का प्रकट दिवस मनाने गए भक्त फंस गए थे, जो एक दूसरे को संभालते हुए और हौसला बढ़ाते हुए उफान मारते पहाड़ी झरनों के खतरों के सफर को तय कर रहे हैं। मूसलाधार बारिश में फिसलन के साथ भूस्खलन जैसे तमाम खतरों के बीच भक्तों का जत्था कदम कदम पर जोखिम उठाते दिखाई दिया। दरअसल प्रतिवर्ष इस क्षेत्र के भक्त गड़दा के पहाड़ों पर जाकर 10 सितंबर को माता अन्नपूर्णा का प्रकट दिवस मनाते हैं, लेकिन इस वर्ष मूसलाधार बारिश में माता के भक्तों को जान पर बनने वाले खतरे को उठाना पड़ेगा। शायद ये उन्होंने सोचा नहीं था। बहरहाल मामूली चोट और थकान की छोड़ दें तो सभी श्रद्धालु सुरक्षित हैं और अपने इस भयानक मंजर को शायद ही वो जिंदगी भर भूल पाएंगे। भयानक बारिश के बीच पहाड़ी झरने और नालों के खतरनाक बहाव की परवाह किए बगैर माता रानी के ये जीवट भक्त आगे बढ़ते रहे। जय भवानी। मेरा नाम हितेश माहुले। जैसे कि आप सभी को ज्ञात है कि हर वर्ष 10 सितंबर को माँ अन्नपूर्णा धाम में माँ अन्नपूर्णा माता का जन्मदिन बड़े उत्साह से और धूमधाम से मनाया जाता है। गड़दा बुढ़ेना में स्थित पहाड़ी में यह माता जी का धाम है, जो 2006 में चर्चाओं में आया और बहुत भारी रूप में वहाँ पर दर्शन करने के लिए श्रद्धालु लोग आते हैं। हम लोग 9 तारीख को ही सारा सामान लेकर के भारी मशक्कत के साथ, लगभग हम 60-70 लोग, जिसमें हम लोग पुरुष और महिलाएं भी शामिल थे, बच्चे भी शामिल थे, सारा अनाज भंडारे का सामान पहाड़ी पर चढ़ाए और रात्रि विश्राम वहीं पर होता है। उसके बाद 10 तारीख को सुबह से भंडारा प्रसाद बनाना और जन्मदिन मनाने की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, जिसमें कि हमारे जन्मदिन मनाने के एक दिन पहले से 9 तारीख की रात्रि से बहुत भारी बारिश हो रही थी। हमें बहुत परेशानी के साथ सामान चढ़ाए ऊपर, और उसके बाद 10 तारीख को माता जी का जन्मदिन मनाने के बाद, भंडारा करने के बाद, इस भारी बारिश में भी बहुत सारे श्रद्धालु लोग दर्शन करने के लिए आए, जिन्होंने प्रसाद भी ग्रहण किया। और जब हम लोग नीचे जब अपने साथियों को लेकर के आ रहे थे, वापसी में कोई खतरा तो नहीं हुआ? वापसी में खतरा ऐसा था कि बहुत भारी बारिश थी, जिसके कारण आसपास के नदी नालों में उफान आ गया था। और जैसे हम उत्तराखंड केदारनाथ में देखते हैं भारी बारिश, जो पहली बार हमने देखे कि पहाड़ पर से भी पानी इतना और बाढ़ की स्थिति थी, जिसको हमारे साथ सभी साथियों ने बहुत ही मजबूती के साथ, और एक रेस्क्यू ऑपरेशन बोलना चाहिए उसको, इसमें बहुत ही मुश्किलों से महिलाओं और बच्चों को हम लोगों ने पार करवाया, हम लोग भी पार हुए, जिसमें हमारे साथियों को पैर में हाथ में चोट आई, दो लड़के नाले में बह गए थे, उनको भी निकाला गया, मेरा खुद का पैर कटा हुआ है, हमारे साथ महिला थी उनके हड्डी में भी कटाव आया है और बहुत से लोगों को लगा है। लेकिन माता रानी के आशीर्वाद से, और बोलना चाहिए सब उन्हीं के आशीर्वाद से, सारा कार्यक्रम अच्छे से हुआ, पूरे सुरक्षित घर पहुंच गए, सभी लोग सुरक्षित घर पहुंच गए। मैं माँ अन्नपूर्णा के चरणों में प्रणाम करता हूं, उनका धन्यवाद देता हूं कि किसी को किसी प्रकार की कोई जानमाल की हानि नहीं हुई, नुकसान नहीं हुआ। और मैं सभी को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने हमारी इस भारी तकलीफ में, बोलना चाहिए कि इतनी ऐसी जगह पे जहां पहुंचने का कोई साधन नहीं, वहां पे हमारा साथ और सहयोग दिया। जय भवानी। आप लोग का नाम? राहुल मेश्राम। ओंकार माहुली। कल जैसे कि 10 तारीख थी, 10 सितंबर गड़दा बुढ़ेना में माँ अन्नपूर्णा माता जी का जन्मदिन मनाया गया। आप लोग वीडियो में देखा गया कि आप लोग लकड़े के ऊपर से बाढ़ में फंसे हुए थे, आप लोग सब लोग को पार करवा रहे थे, तो कैसा क्या एक्सपीरियंस रहा, इसके बारे में जानकारी देंगे आप लोग खुल करके? कल की जो स्थिति थी वहाँ की, गड़दा बुढ़ेना की पहाड़ी की, मैया जी का जन्मदिन मनाने गए थे माँ अन्नपूर्णा माता का, तो वहाँ पर वापसी में उतरने के समय में शाम के करीब 4:30-5 बजे का समय था, इतनी भयावह स्थिति थी। और वहाँ पे हमारे साथियों ने और बब्बर सेना के जो मेन हैं हितेश माहुले जी ने, जो सामने चल के जो सब लोगों का राह दिखाते हुए, बीच में एक पेड़ गिर चुका था और हितेश माहुले जी उस तरफ से आगे बढ़ चुके थे, उसके बाद फिर वापसी आया और फिर मार्ग दिखाते हुए आगे की ओर चलते हुए बोले कि भैया इधर से चलो, सब साथियों माता बहनों को साथ में लेके गए।
तीन तीन चार चार रास्तों से बहुत भारी पानी उतर रहा था नीचे, पहाड़ से पत्थरें भी गिर रहे थे, उसको क्रॉस करते हुए आए नीचे, किसी को कोई चोट नहीं लगा है। सभी लोग सुरक्षित घर आ गए? हाँ, पूरे लोग माता रानी की कृपा से पूरे लोग सुरक्षित घर पहुंच गए। और ऊपर भंडारा वगैरह सब अच्छा बहुत हुआ? अच्छा खाना वाना बहुत बढ़िया बना, माता के दर्शन किए सब लोगों ने, श्रद्धालु भक्तों ने। और बस वापसी में जो पानी की स्थिति थी भयानक, बारिश बहुत हुई ना, दो तीन दिन से बारिश, बस उसी कारण दिक्कत हुई। बता दें कि 2020 में भयानक बारिश से हुए भूस्खलन के बाद पहाड़ों पर तबाही के मंजर का पंजाब केसरी संवाददाता हरीश लिल्लहरे ने स्पेशल कवरेज किया था, जिसमें हजारों सालों से जमा पत्थर और पेड़ भूस्खलन में उखड़ गए थे। लेकिन आसमानी आफत में अन्नपूर्णा माता के दरबार की पत्थरों वाली वो चट्टान जो एक दूसरे से महज सटे हुए हैं, उस दरबार का बाल भी बांका नहीं हुआ था। ऐसे कई चमत्कार और मुराद पूरी होने के चलते जहां अन्नपूर्णा माता के भक्त बढ़ते जा रहे हैं, तो वहीं माता के प्रति भक्तों की आस्था और भी गहरी होती जा रही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए बालाघाट से हरीश लिल्हारे की रिपोर्ट।